देंगे, तुम थोड़ी मिलाओगे मिट्टी में, मिट्टी में तो मिलाने वाला अल्लाह है, बस सभी को मिट्टी में मिलना है, वही जिंदा करेगा, वही कयामत के दिन फिर उठाएगा, फिर होगा हिसाब, वहां लगेगी कयामत में अदालत। एक माशाल्लाह आज हम हाजिर हुए थे यहाँ पर, एक मिठाई की दुकान है और हमने मिठाई का इनके दुकान का नाम पढ़ लिया, खान स्वीट्स हाउस और यासीन खान मौसम खान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुझे पहचान हो गई कि हमारे मुस्लिम इस्लामी भाई की दुकान है यह, तो मैंने सोचा कि इनसे इस्लामिक सवाल करेंगे दो तीन। ठीक है आइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। अतीक भाई माशाल्लाह, थोड़ा साइड हो जाओ, गर्मी लग इधर वो हो रही है। हाँ अतीक भाई कैसा चल रहा है? बढ़िया अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद यासीन खान। अच्छा यासीन खान आप ही हैं ओनर दुकान के, आपका नाम लिखा वहाँ पे यासीन। माशाल्लाह अच्छी मिठाई बनाते हैं आप। ठीक है ये कुंडरा कोटी पे इनकी दुकान है, आप लोग विजिट, आप लोग आए यहाँ पे और इनसे ख़रीदारी करें इनसे मिठाई की, जो भी है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मिठाई, मुझे उम्मीद है, मैं देख रहा हूँ अच्छी मिठाई इनकी यहाँ पे। लिहाजा हम इस्लामिक सवाल करेंगे आपसे, इजाज़त है? जी माशाल्लाह, इनसे पूछ लूँ? अच्छा अच्छा अतीक भाई हमारे नबी का क्या नाम है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इनका नाम क्या है? हाँ ये नबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर का मतलब है हम हुजूर एक अदब के दायरे से लगाते हैं, ठीक है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुरूद हो गया, दुरूद है ये नाम नहीं है, लेकिन नाम क्या है? नबी हैं, नबी हैं अल्लाह के नबी हैं। ठीक है अच्छा भाई कलमा तो सुनाइए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह तो कलमे में अभी किसका नाम आया? नबी रसूलुल्लाह। क्या नाम था वो? नबी रसूलुल्लाह। फिर से पढ़ के बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या आया ये? मोहम्मद, यही तो नाम है नबी का हमारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई नमाज तो पढ़ते होंगे आप? जी। कितने वक्त की नमाज होती है दिन और रात में? पांच। पांच वक्त की होती है, तो कौन कौन सी वक्त की होती है? कोई बात नहीं घबरा रहे हैं आप बताइए भाई। फजर, असर, जोहर, मगरिब, ईशा। फजर के बाद असर नहीं, जोहर है। हाँ जोहर। माशाल्लाह अच्छा फजर में कितनी रकातें? चार। और? बारह। ये भाई लोग भी इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह। क्या नाम है आपका जनाब? मोहम्मद यासीन। माशाल्लाह यासीन भाई जोहर में कितनी रकातें? जोहर में बारह। बारह यार भाई यासीन भाई बुरा मत मानना, बड़े अफसोस की बात है, ये हमें पहचान नहीं चल पाती कौन मुसलमान है, आज के मुसलमान ऐसा हो गया है जो पहचान नहीं चल सकती कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, वजह उसकी दाढ़ी नहीं है, टोपी ओढ़ने वाला, बस यही बड़े अफसोस की बात है। ठीक है गौर करिए आप दीन की तरफ, गौर करिए, देखिए हम दुनिया में किस लिए आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं ये खाली टाइम पास करने के लिए, मेन चीज़ जो है अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इबादत के लिए भेजा है दुनिया में, चार दिन की ज़िंदगी है, ऐसे ऐसे शेर ढेर हो जा रहे हैं, देखा आपने अशरफ और कैसे कैसे शेर, तूती बोलती थी इलाहाबाद के, ठीक है लेकिन ढेर हो गया उनका, और कैसे पिल्लों ने मारा उनको, ज़रा ज़रा से पिल्लों ने, सिर्फ उनके बस की उनकी औकात थोड़ी है, ये तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म, सब अल्लाह के हुक्म की बात है, कोई सोचे कि उनको मार दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने मिला दिया मिट्टी, मिट्टी में तो मिलने आए हैं, मिट्टी में तो मिलने के लिए आए हैं, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा करके दुनिया में भेजा, इसी मिट्टी में फिर जा रहे हो और इसी मिट्टी से फिर उठाया जाएगा कयामत के, तो मिट्टी में तो हमारा कुरान खुद ही कह रहा है कि मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो कुरान अजीम में लिखा हुआ है ये, आप क्या कह रहे हो कि मिट्टी मिला देंगे, तुम थोड़ी मिलाओगे मिट्टी में, मिट्टी में तो मिलाने वाला अल्लाह है, बस सभी को मिट्टी में मिलना है, वही जिंदा करेगा, वही कयामत के दिन फिर उठाएगा, फिर होगा हिसाब, वहां लगेगी कयामत में अदालत, एक मेन असली अदालत जो है वहां लगेगी, यहाँ कोई कोई अदालत है कुछ नहीं है, किसी की नेता गति नहीं चलेगी, यहाँ चल रही है सबकी जिसकी चल रही है, वहां किसी की नहीं चलेगी, वहां सिर्फ मेरा रब है, मेरे रब की पकड़ होगी वहां पे, वहां देखना है क्या होगा। ठीक है अच्छा आप लोग और करिए इंशाल्लाह, ठीक है अस्सलाम वालेकुम।